हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में हेडबैंड बनाना बताऊंगी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए, हमने एक पार्ट कट किया हुआ है जिसकी लेंथ है 16 इंच। ये देखिए 16 इंच की इसकी लंबाई है और इसकी विड्थ है 4 इंच, यानी कि जो चौड़ाई इसकी हमने ली है वो 4 इंच ली है। और इसी तरीके के हमने दो पार्ट कट किए हुए हैं। देखिए, अब जो दूसरा वाला पार्ट है इसकी लेंथ है 17 इंच और इसकी विड्थ है 3 इंच। और अब मैं आपको बताती हूँ ये हमें किस तरीके से स्टिच करना है। तो हमें इसे इस तरीके से एक फोल्ड करके यहाँ साइड में सिलाई लगानी है और इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट भी ऐसे ही रखने हैं और एक फोल्ड करते हुए इसमें भी हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। तीनों में हमें साइड से सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने इस पार्ट को इस तरीके से रखना है एक फोल्ड करते हुए और इसमें हमें बिल्कुल साइड से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, हमने तीनों पार्ट्स में साइड से सिलाई लगा दी है और अब हम इसे ऑल पिन से राइट साइड की ओर को टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब ये दोनों पार्ट्स को भी हम इसी तरीके से राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। ये देखिए, हमने तीनों को राइट साइड की ओर को टर्न कर दिया है और अब हम इसमें इसी तरीके से आयरन करेंगे। अब देखिए, हमने तीनों पार्ट्स में आयरन कर ली है और अब हम इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक की जो मैंने यहाँ पे लेंथ ली है वो 5 इंच ली है। अब हमें इसे इस पार्ट में इंसर्ट करना है, तो सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसे इसमें इंसर्ट करेंगे। जिस पार्ट की लेंथ हमारी 17 इंच थी उस पार्ट में हमें इसे इंसर्ट करना है। ये देखिए, हमने इसे इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पे हमने दोनों साइड से इसमें सेफ्टी पिन भी लगा ली है। ये देखिए, और अब हम इसमें दोनों साइड से सिलाई रख देंगे। देखिए, हमने इसमें दोनों साइड से सिलाई रख दी है और अब जो हमारे पास ये दो पार्ट है हमें इसे इस तरह से रखना है। देखिए, जो हमारी सिलाई है वो मिड में आनी चाहिए। देखिए, हमें इसे इस तरह से रखना है कि जो हमारी सिलाई है ये मिड में आनी चाहिए। देखिए, और दोनों की सिलाई को मिलाते हुए हमें अपने इस पार्ट को इस तरह से रखना है। देखिए, और अब हमें इसके ऊपर जिसमें हमने इलास्टिक लगाई है वो वाले पार्ट को बिल्कुल मिड में रखना है और दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देनी है। देखिए, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके ऊपर से इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, हमने इसमें सिलाई लगा दी है और अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से इसमें सिलाई लगानी है। अब देखिए, इलास्टिक की दूसरी साइड हमें अपने इस वाले पार्ट को जॉइन करना है। तो वो किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। तो जो इसकी सिलाई है, देखिए ये बिल्कुल मिड में है और इस तरीके से हमें इसके अंदर इसे इंसर्ट करना है। ये देखिए, और इन दोनों की सिलाई मिलाते हुए हमें इस तरह से खींचना है और जो हमारी इलास्टिक है उसे हमें इसके ऊपर देखिए इस तरह से रखना है और दोनों साइड से हमें फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देनी है। देखिए, इस तरह से रख के हमें इसे इस तरह फोल्ड करना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, हमने दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम इसे राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और अब हमारा हेडबैंड बनके बिल्कुल रेडी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।